श्रील भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती। पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का सिक्का। लाखों मन एक भाव में बंधे प्रभुपाद स्वामी महान देशभक्त थे। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। राहुल गांधी ने बताया जीडीपी का मतलब। कहा गैस की कीमतों से हुआ 116% का इजाफा। बीजेपी का वार। कहा पुराने मुद्दों पर बिना ज्ञान के बयान दे गए राहुल गांधी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जम्मू कश्मीर दौरा। गुलमर्ग में पंचायती राज प्रतिनिधियों ने किया स्वागत। ओम बिरला ने की जन प्रतिनिधियों के साथ विकास पर चर्चा। तालिबान से बातचीत पर उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर वार। पूछा क्या आप उसे मानते हैं आतंकी संगठन। तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं सरकार करे साफ। बंगाल के नारदा केस में ईडी ने दायर की चार्जशीट। ममता सरकार के दो मंत्रियों के नाम भी शामिल। पूर्व आईपीएस अधिकारी पर भी आरोप। कोरोना के खौफ के बीच 9वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल। स्कूलों में फिर से लौटी रौनक। कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के रन। ईवीएम मशीनों में बंद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी काउंटिंग। राज्य में लागू होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दी मंजूरी। एक ही जमीन पर होटल के साथ आवासीय योजना होगी विकसित। पाली नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। 7 साल बाद भी नहीं हुई कर चोरी की वसूली। 5 ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ होनी थी कार्रवाई। रफ्तार की भेंट चढ़ी 4 जिंदगियां। पाली के तकतगढ़ में बाइक्स की भिड़ंत में 2 की मौत। तो नागौर में बिचपुरी फांटे के पास ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर 2 युवकों की मौत।